खबर सरायमीर आजमगढ़ जनपद से, जहां सीओ सदर यातायात सीओ सहित पांच विभागों के पद का चार्ज संभाले तेज तर्रार नवागत आईपीसी सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी ने पत्रकारों से मिलने पर कहा, पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गाड़ियों की चेकिंग रोज कर रही है और हेलमेट, सीट बेल्ट, नेम प्लेट आदि पर चालान कर रही है, मगर कुछ लोग पुराने नेम प्लेट लगाकर चल रहे हैं, जिससे कोई दुर्घटना होने पर या कोई आपराधिक घटना करने पर पुराने नेम प्लेट होने के कारण पुलिस को ऐसी गाड़ी मालिकों के खिलाफ दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह चल रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दिसंबर से ठंड ज्यादा बढ़ने के बाद कोहरा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए आप लोग अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण में से गाड़ियों में सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। आपकी जिंदगी अमूल्य है, इसकी सुरक्षा स्वयं करें और लोगों को इसके लिए जागरूक करें। यातायात सीओ शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि इस जिले के अधिकांश लोग अपनी गाड़ियों पर पुराने नेम प्लेट लगाकर चल रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुराने नेम प्लेट लगी गाड़ियों के खिलाफ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी गाड़ियों पर सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित गाड़ियों पर नए ऑनलाइन नंबरों को लगाएं। नहीं लगाने की स्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरायमीर आजमगढ़ से अभय गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें सर यातायात का सीओ है आप, तो इसमें क्या सर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो पुराना नेम प्लेट लोग लेके चल रहे हैं सर और हेलमेट भी नहीं चल रहे हैं, तो क्या उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी भी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि केवल चालान से बचने के लिए नहीं, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए भी नेम प्लेट और हेलमेट दोनों ही चीज़ का इस्तेमाल हो। इस समय यातायात माह भी चल रहा है, यातायात माह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हर साल चलता है, उसमें हम जागरूकता फैलाते हैं क्योंकि अभी ठंड आने वाली है और ठंड में कोहरा होता है तो एक्सीडेंट बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यातायात माह इस समय चल रहा है और हमारा इस समय पूरा जोर है कि लोगों में जागरूकता फैलाए और चालान इसीलिए ज़्यादा होंगे ताकि जागरूकता फैले कि हेलमेट लोग जो है वो हेलमेट और सीट बेल्ट दोनों ही निश्चित रूप से लगाएं। साथ ही साथ मैं देखा हूँ यहाँ पे कि नंबर प्लेट बदलवाने का सरकार ने करीब साल डेढ़ साल से मैंडेटरी किया हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या मुझे दिखती है जो नंबर प्लेट नहीं बदलवाई है। ये साफ साफ गैर कानूनी है और इसमें चालान भी जो है वो 5,000 रुपये का है। तो ये इन दोनों चीज़ों पर आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि एक नेम प्लेट होना, नंबर प्लेट होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए, जिससे गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसलिए यातायात माह में मेरे आप सबसे ये विनती है कि तुरंत से तुरंत अपनी नेम प्लेट जरूर बदलवाएं और हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना जरूर चालू करें।